नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स ऑन ट्यूब पर। कल शाम को CSK को लेकर एक बुरी खबर आई थी कि CSK टीम के 11 क्रू मेंबर्स और एक भारतीय तेज गेंदबाज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और आज सुबह एक और बुरी खबर CSK की टीम से निकलकर आ रही है। दरअसल सुरेश रैना ने इस साल के IPL को नहीं खेलने का फैसला कर लिया है। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि सुरेश रैना ने क्यों IPL 2020 को मिस करने का फैसला किया है। वीडियो को देखना एंड तक, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल कल शाम को CSK के खेमे से एक बुरी खबर निकल के आई थी कि CSK के 11 क्रू मेंबर्स और एक भारतीय खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल कर आया था। तब से CSK के खेमे में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी। और अब आज सुबह एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि सुरेश रैना IPL 2020 के पूरे सीजन को है जो मिस करने वाले हैं। इस बात की पुष्टि CSK के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कर दी गई है। सुरेश रैना इस साल IPL 2020 को नहीं खेलने वाले हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण CSK के फ्रेंचाइज ने बताया है, सुरेश रैना अपने पर्सनल रीजन के चलते IPL 2020 को छोड़ने वाले हैं। साथ में ट्वीट में यह भी लिखा हुआ था कि CSK की फ्रेंचाइज सुरेश रैना की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। इससे यह पता चलता है कि सुरेश रैना की फैमिली में या फिर सुरेश रैना खुद कुछ प्रॉब्लम में हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो और जो कुछ भी है वो ठीक हो जाए। हालांकि CSK की फ्रेंचाइज ने एग्जैक्ट खुलासा नहीं किया है कि सुरेश रैना ने IPL 2020 को क्यों छोड़ा है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन ट्यूब। थैंक यू।